नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका तकनीकी वर्ल्ड के एक और मज़ेदार वीडियो में। तो आज मैं यहाँ पे आप सबके लिए लेके आ गया हूँ Realme 7 Pro का एक GCam कैमरा कंपैरिजन। तो पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि Realme 7 Pro का एक GCam वीडियो लेके आओ, GCam वीडियो लेके आओ। तो मैं लेके तो आना चाहता था, बट कोई भी ऐसा प्रॉपर GCam नहीं मिल रहा था जो कि सभी चीज़ें वर्क करती हो, जैसे कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, प्राइमरी लेंस है, नाइट साइट है। बट फाइनली अब जाके एक अच्छा सा यहाँ पे वर्किंग GCam मिल गया है, तो उसके ऊपर मैं यहाँ पे एक वीडियो लेके आ गया हूँ। एंड Realme 7 Pro में भी जो लास्ट में अपडेट आया था उसके बाद कैमरास में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। तो ये जो अभी वीडियो हम देख रहे हैं वो मैं सारे अपडेट्स करने के बाद बना रहा हूँ, तो यहाँ पे भी आपको आइडिया लगेगा कि जो अपडेट के बाद फोटो क्वालिटी है उसमें कितना फ़र्क पड़ा है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मेरा नाम है संजय, आप देख रहे हैं तकनीकी वर्ल्ड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे मज़ेदार वीडियोस आने वाले हैं। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है स्टॉक एंड GCam दोनों में, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक कैमरा है बेटर वर्क कर रहा है, इमेज यहाँ पे ज़्यादा ब्राइट रख रहा है, जबकि जो GCam की इमेज है वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं है। बाकी डिटेलिंग के बारे में बात करें तो डिटेलिंग यहाँ पे दोनों ही इमेज इसमें आपको सिमिलर देखने को मिल जाती है। प्राइमरी कैमरा से लिया गया सैंपल है एंड यहाँ पे जो डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं रहता है, डिफरेंस यहाँ पे कम हो जाता है। बट अभी भी मुझे जो स्टॉक कैमरा की इमेज है वो थोड़ी सी बेटर लग रही है, क्योंकि वहाँ पर स्किन टोन है वो थोड़ा सा बेटर लग रहा है, ओवरऑल इमेज थोड़ी सी ब्राइट है, जबकि GCam से ली गई इमेज यहाँ पे इतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं लग रही है। बाकी डिटेलिंग के बारे में बात करें तो डिटेलिंग यहाँ पे दोनों में ही सिमिलर देखने को मिल जाती है। पोर्ट्रेट मोड को ऑन कर दिया है एंड पोर्ट्रेट मोड में यहाँ पे आपको जो GCam है वहाँ पे जूम करने का फीचर दिया गया है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जूम हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा आउटपुट बेटर है। मुझे यहाँ पे जो GCam का आउटपुट है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहा है, क्योंकि जब आप पोर्ट्रेट शॉट लेते हैं तो जब जूम हो जाता है तो एक अलग ही एंगल बन जाता है, वो तो एंगल काफ़ी अच्छा हो जाता है। 7 Pro के स्टॉक कैमरा में भी आप ये एंगल ले सकते हैं पास में जाके, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस रह ही जाता है, क्योंकि जो डिस्टेंस से जूम होकर जो एंगल आता है वो काफ़ी बेहतर लगता है। एंड पोर्ट्रेट शॉट्स हमेशा नज़दीक से ही लेने चाहिए तो आपको कुछ बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो GCam का आउटपुट है वो बेटर है जब आप पोर्ट्रेट शॉट्स लेते हैं। अभी डिटेलिंग कहाँ पर बेहतर है वो दिखाने के लिए मैं इस इमेज को जूम करके दिखा देता हूँ। तो जूम करने के बाद यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो GCam की इमेज है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, जो स्किन टोन है, डिटेलिंग है, वो यहाँ पे GCam की इमेज में काफ़ी बेहतर है, जबकि स्टॉक कैमरा की इमेज में इतनी ज़्यादा बेहतर देखने को नहीं मिल रही है। तो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के कुछ सैंपल हैं, यहाँ पे स्टॉक कैमरा बेटर वर्क करता है, इमेजेस यहाँ पे स्टॉक कैमरा से ली गई वो थोड़ी सी ज़्यादा ब्राइट है, जबकि GCam जो इमेजेस लेता है वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं है, बट एक्चुअल कंडीशन है वो यहाँ पे आपको GCam से ली गई इमेजेस में देखने को मिल जाती है। तो स्टॉक कैमरा से ली गई कुछ इमेजेस है तो यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। सेचुरेशन यहाँ पे GCam है वो थोड़ा सा ज़्यादा रख रहा है, जबकि जो स्टॉक कैमरा है वो यहाँ पे सेचुरेशन को इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाता है। बाकी ओवरऑल अगर आप डिटेलिंग वगैरह देखते हैं तो दोनों में ही आपको सिमिलर देखने को मिल जाती है, वहाँ पर कोई भी ऐसा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो फ्रंट कैमरा से ली गई इमेज है एंड यहाँ पर मुझे GCam की इमेज बेटर लग रही है। यहाँ पे शर्ट का कलर आप देख सकते हैं, स्किन टोन देख सकते हैं, ओवरऑल डिटेलिंग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो GCam की इमेज जो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, नॉर्मल मोड में निकाली हुई है, पोर्ट्रेट मोड को ऑन कर दिया है, पोर्ट्रेट मोड ऑन करते ही एज डिटेक्शन यहाँ पे दोनों ही ऐप अच्छे से कर लेते हैं, बट अगेन जो स्किन टोन है, कलर है, वो यहाँ पे GCam में काफ़ी बेहतर देखने को मिल जाते हैं। ये कुछ और सैंपल है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो GCam का आउटपुट है, जो इमेजेस है, जो स्किन टोन है, वो यहाँ पे बेहतर है। बाकी जो स्टॉक कैमरा ऐप है वहाँ पे भी अभी जो बैकग्राउंड में वॉश आउट हो जाता वो इश्यू यहाँ पे Realme ने फिक्स कर दिया है। तो बेसिकली Realme ने यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड में भी HDR मोड को इनेबल कर दिया है, एंड वही चीज़ यहाँ पे करने की ज़रूरत थी, क्योंकि जब आप HDR मोड ऑन करते हैं तो बैकग्राउंड वॉश आउट का इश्यू काफ़ी हद तक फिक्स हो जाता है। तो पहले वो Realme में ऑप्शन नहीं था कि पोर्ट्रेट मोड में आपको HDR मोड ऑन रखने का, बट अभी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट्रेट मोड है उसमें आपको HDR मोड इनेबल कर दिया। वो स्टॉक कैमरा ऐप है वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करता है, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टॉक कैमरे की इमेज है वो बेटर लग रही है, ज़्यादा ब्राइट है, फोरग्राउंड बैकग्राउंड दोनों ही चीज़ें अच्छे से मेंटेन की है, जबकि GCam ने यहाँ पे जो चेहरे का जो स्किन टोन है वो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही डार्क दिखा दिया है। ये कुछ इंडोर सैंपल है तो यहाँ पे जो GCam के सैंपल है वो बेटर देखने को मिल जाते हैं, डिटेलिंग वगैरह बेटर देखने को मिल जाती है, जबकि जो स्टॉक कैमरा है वो अगेन यहाँ पे इतना ज़्यादा बेटर परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन के बारे में बात करें तो वहाँ पे जो GCam है वो बेटर वर्क करता है, एंड ह्यूमन स्किन टोन्स होता है वो वहाँ पे GCam में बेटर देखने को मिल जाता है, जबकि स्टॉक कैमरा है वो यहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करता है।
उसके बाद ये कुछ ऑब्जेक्ट की फोटोज है, तो यहाँ पे आपको कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा एंड दोनों ही ऐप से आपको सिमिलर इमेजेस देखने को मिल जाएंगी। ये इंडोर फ्रंट कैमरा के सैंपल हैं एंड अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जी कैम का सैंपल है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है एंड काफ़ी आई प्लीजिंग लग रहा है, कलर बेटर है, स्किन टोन बेटर है। एंड जो स्टॉक कैमरा का सैंपल है वहाँ पे स्किन टोन है वो इतना ज़्यादा बेटर नहीं है एंड कलर भी थोड़ा सा डल लग रहा है। ये कुछ और सैंपल है एंड ये पोर्ट्रेट मोड से लिया गया सैंपल है, तो यहाँ पे भी एज डिटेक्शन स्टॉक में एंड जी कैम में दोनों में ही काफ़ी अच्छे से हो जाते हैं। बट अगर आप कलर्स देखते हैं तो वो अगेन यहाँ पे आपको जी कैम वाले सैंपल में बेटर देखने को मिल जाता है। उसके बाद ये एक्सट्रीम लो लाइटिंग कंडीशन की फ़ोटो है विदाउट नाइट मोड निकाली है एंड ये विद नाइट मोड है, तो यहाँ पे रियलमी का जो नाइट मोड है वो बेटर वर्क करता है जी कैम से भी। जी हाँ, ये कुछ और सैंपल है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वैसे तो पहली नज़र में दोनों ही इमेज सिमिलर लग रही है, बट अगर आप ज़्यादा जूम इन करते हैं तो जो रियलमी का स्टॉक नाइट मोड है वो यहाँ पे बेटर वर्क करता है एंड इमेजेस भी यहाँ पे ज़्यादा ब्राइट लग रही है। एंड ये पर्टिकुलर इमेज को लेने के लिए मुझे जी कैम में 3 से 4 बार ट्राई करना पड़ा था, तब जाके ये इमेज आई थी, नहीं तो नाइट साइड में भी इमेज ब्लरी सी आ रही थी, जबकि रियलमी में ये इमेज मुझे एक ही बार में मिल गई थी। तो लो लाइट में फ्रंट कैमरे से लिया गया सैंपल है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जी कैम का सैंपल है वो बेटर देखने को मिल जाता है। ये विदाउट नाइट मोड है, नाइट मोड ऑन किया है दोनों में ही मैंने, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी कैम की इमेज वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, स्किन टोन काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, लाइट को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया है, स्टॉक कैमरा भी इतना बुरा नहीं है, बट जो जी कैम का सैंपल है वो कुछ ज़्यादा ही बेहतर है। तो एक्सट्रीम लो लाइटिंग कंडीशन में सैंपल निकाला हुआ है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी कैम का जो नाइट सेट है वो काफ़ी अच्छे से वर्क करता है एंड कितनी ज़्यादा ब्राइट इमेज लग रही है एंड बिल्कुल भी लाइट नहीं थी, बट उसके बावजूद भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना बेटर आउटपुट मिला है। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आपने वीडियो में देखा कि जो नॉर्मल लाइटिंग कंडीशन होती है, अच्छी लाइटिंग होती है, आउटडोर लाइटिंग होती है, वहाँ पे स्टॉक कैमरा एंड जी कैम दोनों ही काफ़ी सिमिलर परफॉर्म करते हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। सेचुरेशन का थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिल जाता है, जी कैम में थोड़ा सा सेचुरेशन ज़्यादा है एंड जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है वो तो यहाँ पे स्टॉक कैमरे का जो परफॉर्मेंस है वो बेटर है, जबकि जी कैम का थोड़ा सा डल यहाँ पे आता है एंड डार्क इमेजेस आ रही थी। बाकी उसके अलावा आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन के बारे में बात करें तो वहाँ पे जी कैम ने बेटर परफॉर्म किया है, जो स्पेशली ह्यूमन स्किन टोन्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पे जी कैम में हमें बेटर देखने को मिल जाता है। एंड फ्रंट कैमरा के बारे में बात करें तो वहाँ पे भी अगेन जी कैम में थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है, जो स्किन टोन वगैरह है वो काफ़ी बढ़िया दिखता है, जबकि रियलमी 7 प्रो का स्टॉक कैमरा जो अभी अपडेट आया था उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है। अभी भी अगर आप जी कैम के साथ कंपेयर करते हैं तो जी कैम की इमेजेस यहाँ पे बेटर देखने को मिल जाती है। उसके अलावा लो लाइट के बारे में बात करें तो प्राइमरी कैमरा है, जो बैक कैमरा है, वो यहाँ पे जो रियलमी का स्टॉक नाइट मोड है वो यहाँ पे बेहतर है, काफ़ी अच्छे से रियलमी ने यहाँ पे नाइट मोड को ऑप्टिमाइज किया हुआ है एंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, नाइट साइड भी यहाँ पे कम्पीट नहीं कर पाता है, तो वो बढ़िया चीज़ है। एंड फ्रंट कैमरा के बारे में बात करें तो वहाँ पे अगेन जी कैम बेटर है, वहाँ पे जी कैम का नाइट साइट है वो थोड़ा सा बेटर है एंड वहाँ पे कलर्स वगैरह बेटर देखने को मिल जाते हैं, इमेज की क्वालिटी भी वहाँ पे काफ़ी बेहतर देखने को मिल जाती है। तो अगर आपके पास रियलमी 7 प्रो है तो डेफिनेटली आपको ये जी कैम मोड ट्राई करना चाहिए, जब आप ह्यूमंस की फोटोग्राफी करते हैं तो वहाँ पे स्किन टोन है, कलर्स है, वो काफ़ी बेहतर देखने को मिल जाती है एंड इसको इंस्टॉल करना भी बहुत ही आसान है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आपको इसको सिर्फ डाउनलोड ही करना है एंड उसके बाद आप यूज़ कर सकते, कोई भी सेटिंग्स में चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था एंड मुझे उम्मीद है कि आपकी जी कैम से रिलेटेड सारी क्वेरीज को मैंने सोल्व कर दिया है। अभी भी स्टिल आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।